पर शी ऑल्सो नोज दैट उससे तो 99% जनता वैसे ही चले जाएगी. क्या लिखा है? फ्रॉम द मिड 1 million. फ्रॉम द मिड 1 million. ये बिग बॉस वाली है क्या? व्हाट फ्लेवर इज दिस? दैट वन इज रेड बीन, द ओरिजिनल रेड बीन. अरे बहुत भयानक दिख रहे हैं. क्या सब जगह भी नहीं किए? क्या बने? ब्रेड नहीं थी तो बन रोल बना रहे. सुरभि ने बेसिकली ये बन को लेकर उसको बेल कर रोटी बनाई. सुबह बनी हुई आलू की सब्जी और चीज वगैरह डालकर शी इज मेकिंग बन रोल नाउ इंस्टेड ऑफ ब्रेड रोल. एनीवे, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ न्यू वीडियो. बहुत दिनों बाद ये वाला वीडियो आ रहा है. स्टैनफोर्ड वाले वीडियो के बाद में कुछ भी नहीं हुआ. वी डिड नॉट गो एनीवेयर और थोड़ा बिजी चल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं अपलोड किया. और फिर मैंने कल या परसों इंस्टाग्राम पे ऐसी रैंडम पोस्ट किए कुछ वीडियोस की, तो मुझे अचानक बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने लग गए कि नया वीडियो कब आएगा, न्यू व्लॉग कब आने वाला है. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर जनता की इतनी हैवी डिमांड है पब्लिक डिमांड पर, कुछ ना कुछ करना तो बनता ही है. तो मैं बस ये अभी पब्लिक के आदेश का पालन कर रहा हूँ, इसीलिए हम लोग ये वीडियो डाल रहे हैं. इट्स नथिंग क्रेजी. डिनर करेंगे, ग्रोसरी करने जाएंगे थोड़ी बहुत. घर पे बोनवीटा खत्म हो गया. जब से कोई मिल गया रिलीज हुई है तब से सुरभि ने तक ठान लिया था कि शी विल ड्रिंक बोनवीटा एवरी डे, क्योंकि उसको अभी भी क्लास में सबसे लंबा रहने की आदत है. ऑफिस में आदत नहीं, इच्छा है. चॉकलेट लग रहा है मेरे को. बनाऊ कि नहीं इसीलिए पूछ रही हूँ. बना लो. बनी हुई चीज को वापस बेल कर ऐसा बताना कि क्या स्किल है. वेल इफ यू डू नॉट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल. गो क्लिक द फॉलो बटन. मजा आ जाएगा, अलग मजा आ जाएगा. सुरभि बहुत बिजी है अपना ये सब तलने में, बट आई प्रेफर हेल्दी चॉइसेस, इसलिए मैं अपने लिए सैलेड बना रहा हूँ. ये जो सैलेड है इसको पीटा पॉकेट ब्रेड में डालेंगे. बाय द वे, अगर आप ये चैनल को कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हो तो आपने पिछले कुछ वीडियोस में सुना होगा कि मैं कोर्स परस्यू कर रहा हूँ जॉर्जिया टेक से. सेमेस्टर हो गया है खत्म. जब वो सेमेस्टर खत्म होने आया था तब मैं ऐसा सोच रहा था, बहुत एक्साइटेड था कि अभी सेमेस्टर खत्म हो रहा है तो बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा. हुआ एकदम उल्टा. जब सेमेस्टर चल रहा था तब मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए एकदम रेगुलरली, रोज रात को बैठ के एडिट करता था. जैसे ही सेमेस्टर खत्म हुआ उस दिन से एक भी वीडियो नहीं बनाया, लिटरली एक भी वीडियो नहीं बनाया. मैं रोज कुछ ना कुछ स्टार्ट करता था, सुबह उठ के थोड़ा बहुत फिल्म करता था, ऐसा सोचता था कि आज एक व्लॉग बनाएंगे, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाता था प्लान. क्योंकि एक बार आप ऑफिस का काम स्टार्ट करो तो सीधा 5 बजे ही उठते थे वहां से, और उसके बाद में क्या, खाना बनाया सो गए. तो टू सॉल्व फॉर दैट मैंने ऐसा सोचा कि मैं अगले हफ्ते से संडे थ्रू सैटरडे या फिर मंडे थ्रू संडे रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा फिल्म करूंगा, और वीकेंड पे बैठकर उसको पूरा एक कंबाइन करके एक वीकली रैप सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें एवरी वीक वी विल जस्ट अपलोड 1 वीडियो. बट वी नीड योर इनपुट फॉर दिस, सो प्लीज कमेंट में लिखकर बताना इफ दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी वर्सेस डेली वीडियोस डालना चाहिए. प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगता है. हम लोग जाने वाले थे ग्रोसरी स्टोर, बट अभी प्लान ऐसा है कि वी विल गो फॉर आर इवनिंग वॉक, क्योंकि मेरा रोज़ का गोल होता है टू गेट 8,000 स्टेप्स इन, और आज सुरभि का गोल है दैट शी वॉन्ट्स टू अर्न अ पेस्ट्री वॉक करके, कैलोरीज बर्न करके. रोज वॉक करती हूँ तुम्हारे साथ. सुरभि मैं तुम्हें एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मुझे प्लीज जवाब देना. एक डिसीजन लेना है तुम्हें बेसिकली, वीकली एक वीडियो वर्सेस डेली वीडियोस. तुम क्या वीकली? ऐसा चैनल पे भी पोल डाला है टू कमेंट एंड टेल. एक वीक के बाद तुम अपडेट होंगे तो शायद लोग बोर हुए हुए रहेंगे, उनको एंटीसिपेशन. ओह माय गॉड, एंटीसिपेशन. तुमको क्या करना है एक हफ्ते पहले का अपडेट देके, अगर कुछ हो रहा है एक्साइटिंग उस दिन बनाओ. ओके, तो आज क्या एक्साइटिंग हो रहा है? तुम्हें बहुत रिक्वेस्ट आ रही ना इंस्टाग्राम पे, पूरा मेरा मैसेजेस पूरा क्रैश कर दिया वो इंस्टाग्राम का सर्वर, मैसेजेस से भर दिया मेरा पूरा इनबॉक्स.
कि प्लीज वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, नया वीडियो कब आएगा, नया वीडियो कब आएगा। सुरभी ने ऐसा डिसाइड किया था कि शी वोंट शो अप ऑन एनी वीडियोस। मेरे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि आगे से मुझे कोई भी वीडियो में मत लेना, पर शी ऑल्सो नोज दैट उससे तो 99% जनता वैसे ही चले जाएगी। मैंने आज बोला वीडियो के लिए, मैंने बोला था कि मेरे को नहीं अभी लो। तुमने आज ये नहीं बोला कि मुझसे तुम बातें करते हो और उसके दम पे पूरा चैनल चलता है, ये नहीं बोला तुमने आज? मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला मैंने वैसा नहीं बोला। क्या अभी हो गए हैं मेरे 6104 स्टेप्स। आई डोंट थिंक घर पहुंचने तक मैं 8000 टच कर पाऊंगा, लेकिन हम लोग जाएंगे जब ग्रोसरी स्टोर में, तो वहां पर वैसे ही थोड़ा बहुत घूमना हो जाएगा। तो यार आसमान देखो क्या सही लग रहा है, सात समंदर पार्क में तेरे। ये हमारे घर के पास में बहुत सही सा पार्क है और यहाँ पे हो रही है, नहीं बताते, सीक्रेट रखना पड़ता है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल पीपल कि तुम यहाँ पे अगले ओलम्पिक्स की प्रैक्टिस कर रही हो। हमारे व्यूअर्स में से अगर किसी को घर खरीदना है तो ये नए नए ताजे दो बेडरूम के 1.5 मिलियन का दो बेडरूम मिलेंगे आपको। ये अभी नई सोसाइटी बनी है, बहुत सही, और वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पे बहुत प्यार से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फ्रॉम द मिड 1 मिलियन। इस चैनल को बहुत शेयर करो, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दो, एंड देन वी विल मेक दिस आवर सुरभना व्लॉग्स का ऑफिस, ऑफिशियल ऑफिस। मेरे हुए हैं 7881 स्टेप्स। मैंने मेरी एप्पल वॉच दिखाई ना, अब तुम्हारी एप्पल वॉच दिखा। हमारी एप्पल वॉच कुछ भी कैलकुलेट करती है वैसे। क्या कुछ भी यार तुमको जलन क्यों थी? मेरे स्टेप्स ज्यादा हो जाते तो तुम उस दिन तुम्हारी सोने पे एक ही कैलोरी बर्न कैसे हुई तो। मैं सुरभि अपने गाइस को प्लीज पेट्रोल के भाव का अपडेट दे दो प्लीज। लेकिन स्टार्ट कैसे करना है? तो गाइस रेडी। तो पेट्रोल हो गया है बहुत भयानक वाला महंगा, $4.69 का पेट्रोल मिल रहा है पर गैलन। और तब से सुरभि हैज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ माय डिसीजन ऑफ गेटिंग दिस शेवी बोल्ट ईवी, राइट? इस सब्जी का नाम देखो सुरभि, क्या फैंसी है, ग्रेवेनस्टीन। कुछ ऐसे बनाना चाहिए अपन ने, ग्रेवेनस्टीन वगैरह, आलू बैंगन बनाते हैं अपन का। सब्जी भाजी का एकदम घमासान वाला शॉपिंग हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड गेट रोहित मेहराज फेवरेट बोनवीटा। बेचारी वहाँ पे एक आंटी आई थी जिन्होंने सामान पूरा खरीद लिया, बिलिंग हो गई और उसके बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास कार्ड ही नहीं है, तो पूरा सामान बिलिंग होने के बाद वैसे ही छोड़ के चले गई। तो सुरभि ने उनको ऑफर किया कि मैं आपका पूरा पे कर देती हूँ, बट शी डिड नॉट अग्री टू इट। बाजरे का सिर्फ सिट्टा होता है, कैसे मुंह में पानी आ रहा है। राइस नहीं लिखते लोग, क्या गेस्ट करना होता है। फ्री है ये, यहाँ पे हम लोग आए थे बोनवीटा लेने, वो ही नहीं है, हर जगह सिर्फ कॉम्प्लान ही रखा हुआ है। आई एम नॉट अ कॉम्प्लान बॉय। फायर ब्यूटी में यहाँ से ग्रोसरी लो, 20-30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कहाँ है पायल? अच्छा यही है क्या पायल ब्यूटी? ओहो, वेयर आर वी गोइंग फॉर योर पेस्ट्री ट्रीट? बाप रे, बहुत सीरियस डिस्कशन होने वाला है अभी लगता है। 100 hours later यहाँ पे क्या है वो? पेरिस बगेट। यस, कोकोहोडो जाना है, ठीक है कोकोहोडो चलो। दिव्या अग्रवाल, ये बिग बॉस वाली है क्या? टेक मी टू कोकोहोडो। वो कोकोहोडो के नीचे रेड में क्या लिखा है बता दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। बोलो जल्दी, दिमाग लगा। नहीं पता ना। सुरभि ने अभी मुझे बताया कार में कि हम लोग इसके पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं पर हमको तब भी कुछ नहीं मिला था, और अभी फिलहाल वही सिचुएशन है। पता नहीं क्यों हम लोग फिर भी आए यहाँ पे, बहुत एडवेंचरस हो तुम सुरभि। हम लोगों की स्पेशलिटी है वॉलनट पेस्ट्री, वी आर गोइंग टू ट्राई वन। व्हाट फ्लेवर इज दिस? रेड बीन। ये आ गया मेरा सी सॉल्ट लाटे और ये है सुरभि का पेस्ट्री। अभी तुम सबको पूछते ना क्या है तुम करते हो? क्या ये लव इज राइड अ कोकोहोडो? अभी वॉलनट का है। दिस इज द पेस्ट्री दैट यू केम हियर फॉर। अच्छा मेरे को बताओ, ये बोर्ड देख के तुमको कौन सा गाना याद आ रहा है? वन लव
धड़कन कहे वन लव, मिलकर रहे वन लव एक आसमान। जस्ट एंजॉय करना स्टार्ट ही किया था तो भैया ने आके भगा दिया हम लोगों को। सो व्हाट्स द रिव्यू सर्वी? उसके बाद शायद ही वापस आऊंगी इधर। नहीं ठीक है, एक्सपीरियंस कर लिया। सर्वी बहुत उम्मीद से आई थी कि यहाँ पे पेस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग हो गई अपने बीच। हम लोग आए पेस्ट्री खाने, वॉलनट पेस्ट्री मांगी तो जो दिखाया छोटा सा अखरोट के शेप का वही थी वॉलनट पेस्ट्री। वाइब अच्छी थी। बहुत दिनों बाद हम लोग करो, दैट वाज अ डिफरेंट। 10 मिनट तो ऑर्डर ही करने को और फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद में उसने आकर बोल दिया भाई 2 मिनट में बंद हो रहा है, निकल लो अभी तुम लोग यहाँ से। एनीवे ये वाला वीडियो वी विल एंड राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। भी आदत चले गई होगी इतने दिन से वीडियोज नहीं डाले हैं इसीलिए, बट वो आदत वापस डाल लो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, पीस आउट।